बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज़ फ़ारूक शहज़ाद। आज हमारा फिज़िक्स का 7th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड बी सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। साथ ही आपको बोर्ड नजर आ रहे होंगे, हर क्वेश्चन के साथ मेंशन है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार किस किस बोर्ड में आ चुका है। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एनी नेचुरल फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज टाइम स्टैंडर्ड और मेजर ऑफ टाइम। कुदरती तौर पर जितने भी अमल हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं या जितने भी फिनोमेना जिक्र हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, द फेज ऑफ मून इज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। चांद को हम यूज कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड, चांद का बढ़ना, चांद का कम होना, और जो कमरी साल भी हम मेजर करते हैं वो हम चांद की मूवमेंट से ही मेजर करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है, सन इज आल्सो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, मिड नून हो गया, नमाज के औकात भी हम सूरज के तुलू और गुरूब और सूरज की मोशन के साथ ही तय करते हैं, तो सन को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुछ और भी फिनोमेनाज है, जिस तरह चेंजिंग ऑफ वेदर, वेदर की चेंजिंग से भी हम टाइम स्टैंडर्ड को मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हार्ट बीट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज टाइम स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ड्रॉबैक्स, यूज अ पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि बहुत दफा ये क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। एज अ पीरियड ऑफ अ टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला एज गिवन, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब हम देखते हैं कि डिपेंड किस किस के ऊपर करता है। सबसे पहले देखें तो वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, सो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ मे बी हैव डिफरेंट वैल्यूज। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, और जी की वैल्यू हम जानते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, इसलिए हम टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन देखते हैं, द टाइम पीरियड कैन ऑल्सो भी इफेक्टेड बाई एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस है वहां पर तब भी टाइम पीरियड इफेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। लास्ट रीजन देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन ऑल्सो भी इफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होगा विंटर्स और समर में, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज हो जाएगी। जब लेंथ चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, सो हम टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम को यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। हम दो डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? पहला देखे, हम किलोग्राम तब यूज करते हैं, किलोग्राम तब यूज करते हैं व्हेन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास विदाउट कंसीडरिंग द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कंसिडर नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कंसिडर होती है, तब हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से कंसर्न हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? मोल्स इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जरूरत होती है, वहां पर हम नेसेसरी उनको जानना चाहते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। इट्स मीन कि उस मेजरमेंट स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। 3 मेजरमेंट्स लिए हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन ये है कि विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई, कौन सी मेजरमेंट इसमें से ठीक है और क्यों। तो इसकी रीजन ये है, जो करेक्शन है, जो रीडिंग ली गई है, थर्ड 0.214 मीटर इज
करेक्ट। क्यों ठीक है? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरिंग की जा रही है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। सो वी कैन मेजर द लेंथ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा 0.214 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। What analogous statement can you make regarding experimental data used in the computation? Measuring करते हुए measurements में हम इस saying को कैसे use कर सकते हैं? पहले saying को समझते हैं। A chain is only strong as its weakest link. Chain उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी जितना मजबूत उसका सबसे कमजोर link होगा। तो measurement में क्या होगा? कोई भी मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा रिलायबल होगी जितना कम से कम उसमें एरर होगा। सो अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस प्रिसीजन। लेस प्रिसीजन का क्या मतलब है? दैट हैज स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसका जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतना ही मेजरमेंट क्या हो जाएगी? रिलायबल। या हम कह सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट इसके लिए, कैलकुलेशन इज ओनली एज एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट प्रिसाइज डाटा। जितना कम से कम उसका प्रिसाइज डाटा होगा, कम से कम लीस्ट काउंट होगा, उतनी वो मेजरमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। कौन कौन से हो सकते हैं? व्हेन द स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर। फर्स्ट एरर क्या हो सकता है? जीरो एरर हो सकता है, विच इज अ सिस्टमैटिक एरर। अगर स्टॉपवॉच में कोई जीरो एरर है तो जब भी मेजरमेंट लेंगे वो जीरो एरर वहां पर जाहिर होगा। और हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जीरो एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही उसका तरीका है कि उसको सिंक्रोनाइज किया जाए किसी दूसरी करेक्ट डिवाइस के साथ। दूसरा एरर कौन सा हो सकता है? द टाइमिंग टू स्टार्ट एंड टू स्टॉप द वॉच विच इज पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन भी हो सकता है या इनएक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है कि उसे नहीं पता चला कि कब वॉच स्टार्ट करनी है और कब वॉच स्टॉप करनी है। तो इस तरह ये 2 एरर पॉसिबल हैं जो टाइम स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। डज अ डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैंने एग्जांपल में पहले भी पढ़ाया था जब हमने लेक्चर पढ़ा था। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशन एनालिसिस का, दैट डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। This constant can be determined by experimentally. तो मैंने अगेन वही फॉर्मूला लिखा है, t is equal to 2 pi square root of l over g, और 2 pi की जगह मैंने constant लिखा है। तो 2 pi constant हम dimension analysis से नहीं find कर सकते, this can be find by the experimentally. तो यही एक drawback है, तो हम इसको experiment के through find out कर सकते हैं, dimension analysis के through find out नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखाता चलूं, लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन सिखाई थी क्या होती है, अब इससे यहाँ पर सिखाता चलूं कि उनको ड्राइव किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर को। प्रेशर का हमें फार्मूला पता है, प्रेशर होता है पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी के फोर्स ओवर एरिया। सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन देख लेते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारे पास एम एल टी माइनस टू ऊपर आ जाएगा और एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। याद रखिएगा कभी भी डायमेंशन एनालिसिस में इस एल को इस एल से कैंसल आउट नहीं करना, डायमेंशन में कैंसल आउट नहीं करते, बल्कि एल जो स्केयर है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये एल माइनस टू हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। दोबारा बताता चलू, कभी भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज को कैंसल आउट डायमेंशन में नहीं किया जाता। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का हमें फार्मूला पता है, डेंसिटी होती है
रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस की डायमेंशन हो जाएंगी एम और वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएंगी एल क्यूब। इन्हीं को हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एम ओवर एल क्यूब और फाइनल हमारे पास बन जाएंगे इसकी डायमेंशन एम एल माइनस थ्री। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू और डेंसिटी यानी कि रो की डायमेंशन आ जाएगी एम एल माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड वी ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ। नोइंग दैट लैम्डा इज लेंथ, वी इज यानी कि वेलोसिटी है एल टी माइनस वन और एफ इज फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज टी माइनस वन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर हम जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हम वो मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड की हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी फ्रीक्वेंसी की वो टी माइनस वन आ जाएगी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएंगी वी और लैम्डा की कंबाइन करके लिखेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो आई है वो टी माइनस वन है जबकि राइट हैंड साइड की डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस वन है। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब दूसरी देखते हैं एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन उसी तरह आ जाएंगी टी माइनस वन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अब हमारे पास आ जाएंगी टी माइनस वन। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन क्या हैं, इक्वल हैं। जब दोनों की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हम इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं कि आया वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन की शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर वन मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जजाकल्ला।